Good morning, all of you. Next chapter, calculus ki duniya mein limit hai, hindi mein seema. Ye bahut pyari cheez hai bhai. Ek to ye ki foundation stone hai kiski, calculus. Ab chahe wo differential calculus ho chahe integral calculus, ye sab bani hi limit pe hai. ये फैक्ट है, ये सब चीजें बनी है लिमिट्स पे. लिमिट की जब चर्चा हुई ना, लिमिट का जब बात आई, सबसे पहले जब ये चैप्टर आया मार्केट में, तो हमारे जहन में तीन सवालात उठे भाई. क्या थे वो तीन सवालात? लिमिट ऑफ व्हाट, एक प्रश्न आया हमारे, किस चीज की लिमिट की बात चल रही भाई? है वैसे तो घरेलू बीवी अक्सर यूज करती है ये तो फेवरेट शब्द है भाई महिलाओं का. तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो? नहीं सुना है? हिंदी देसी भाषी लोग इसे हद कहते हैं. हद हद में रहियो देखो तुम. और जो गुंडे होते हैं वो औकात बोलते हैं. औकात भूल गए देख तो फिर से. ये सब चीजें जो ये इंग्लिश वर्ड लिमिट के सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम से तो होता है, सही बोला, सिनोनिमस नहीं होता. ओके ठीक है. ये सब लिमिट नाम के शब्द के सिनोनिम्स हैं एक्चुअली. हद, सीमा, औकात और वेरिएशन बता दी मैंने कौन कौन यूज करता है. बीवीज, गुंडे, देसी भाषी बीवीज, काम वाली है ना. तो ये इसका उससे कोई रिश्ता नहीं है भाई साहब लिमिट से, दूर दूर तक. ये किस लिमिट की बात चल रही है? हम तो कैलकुलस कर रहे हैं भाई. ये लिमिट की बात जब आई तो जवाब आया भाई फंक्शन की लिमिट की बात चल रही. किसकी लिमिट निकालनी है? फंक्शन. हमारा टारगेट ही फिक्स है. हम पूरे कैलकुलस में कर क्या रहे हैं? पोस्टमार्टम कर रहे हैं. किसका? फंक्शन का. पोस्टमार्टम करना है हमें, सब चीजें पता करनी भाई साहब. सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम ही फंक्शन था, उसमें हमने सिर्फ डोमेन निकालना सीखा था. ये मास्टर तुमने पढ़ाया तो बहुत कुछ, मजबूरी भाई साहब, मार्केट में पढ़ा रहे. बाकी वास्तविकता में तो फंक्शन नाम के चैप्टर में सिर्फ डोमेन पढ़ाया जाना चाहिए. उसको उतना ही काम था, क्योंकि बाकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है वो सिर्फ नाम सुनाने के लिए. जैसे जीओसी में नहीं करते केमिस्ट्री वाले, नाम सुना देते हैं पहले सब. बेटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये रिएक्शन भी होती है, वो रिएक्शन भी होती है. फिर धीरे धीरे एल्डिहाइड पे लगाते हैं. मुझे पता नहीं, देखो नाम मैं वैसे जनरली बोल रहा हूँ. अलग अलग चैप्टर आते हैं ना, फिर एल्डिहाइड एसिड जो भी है उन पर धीरे धीरे उन रिएक्शंस का यूज बताते हैं. नाम भी नहीं सुने सुने से लग रहे हैं ना तुम्हें? हैं, हाँ हमें सुने सुने से लग रहे हैं केमिस्ट्री वाले. सुने सुने से, सुने सुने, छोटा वाला, छोटा ऊ. इतने लोगों नाम सुन लिए, तुम नाम सुन लिए इतने सारे हैं? एसिटिक एसिड के वो बता, एसिटिक एसिड का वो, अरे नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, अरे वो जो आके चिपकता लास्ट में, हाँ क्या बोलते हैं जल्दी, अरे लो एनपीआर गुलाब चंद, और जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप, थैंक यू. फंक्शनल ग्रुप सीओ, चुप रहे, सीओ, हाँ एसिटिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप सीओ है. सही है यार, पढ़ तो लिया इसका, तुमने वहां तक पढ़ चुके तुम लोग? इलेवंथ पढ़ा देते हैं? अच्छा फिर तो मैंने थोड़ी सी आसान चीज पूछ ली, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था. सीओ एच, मेरे को खुद को नहीं पता. गुलाब बावड़े, हाँ तो ये चल क्या रहा है? फंक्शन लिमिट ऑफ व्हाट सबसे पहला है. फिर दूसरा, चलो ठीक है मान लिया भाई साहब फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है ये कोई मतलब और लिमिट की बात नहीं चल रही, ये बात तो समझ में आ गई. फिर लोगों ने पूछा व्हाई है, जरूरत क्या पड़ी भाई, बिना इसके काम क्यों नहीं चल रहा था, व्हाई टू वैल्यू. ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, सबसे इंटरेस्टिंग. पूरा फर्स्ट लेक्चर जो है अपना ये व्हाई टू वैल्यूएट के ऊपर ही है. हाउ टू एवेल्युएट सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड, जिसके पैसे है ना, जिसके पैसे मिलने वाले हमें कि लिमिट निकाल के आंसर दो, वो सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड. फर्स्ट लेक्चर व्हाई टू एवेल्युएट, भाई जरूरत क्यों पड़ी है. तो इसका जो फाउंडेशन है वो हमारी जिंदगी में नौवीं कक्षा में डल चुका था. नौवीं कक्षा में जब पहली बार हमें y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 मिला था, यार मेरे को ये याद आती है हर बार यार, मैं दूसरी लिख ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं
इससे कोई विशेष मोहब्बत है मेरे को वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, पता नहीं रीजन। वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव आया था ना ग्राफ पेपर वाला, 5 नंबर का क्वेश्चन, नहीं याद आ रहा? उसको कैसे संपन्न किया जाता था, हम लोग एक टेबल बनाते थे एक्स और वाई लिख के, सही है? देखो ग्राफ पेपर प्लॉट कर पाओ नहीं कर पाओ, हमें तो 8वीं में पकड़ा देता ग्राफ पेपर, साला समझ में नहीं आता था इतने बारीक बारीक, तो वो पिक्सल्स ये छोटे छोटे समझ में नहीं आता साला कहाँ पॉइंट करना है। तो मैं तो टेबल बना के छोड़ देता था शुरू में, एक नंबर तो मिले कम से कम है, कुछ तो मिले। टेबल बनानी सबको आती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मैं कर सकता था वो सब कर सकते हैं भाई। ये टेबल बना दी भैया, नहीं ये टेबल क्या थी, धीरे धीरे हमें पता पड़ी ये टेबल जो है, अब आज हम इतने बड़े हो चुके हैं क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ लिया, फाइनली हमें पता पड़ गया कि इस फंक्शन का ये फंक्शन है भाई, ये कोई लाइन लोन नहीं होती थी, ये तो मास्टर वैसे पागल बनाता था बेटा लाइन बनेगी, इट्स अ फंक्शन। और जो बनाते हैं हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे चक्कर, ये फंक्शन का कर्व है, और ये जो हमने यहाँ पे निकाले ये इस कर्व पे लाए करने वाले पॉइंट, ये सारी चीजें पता पड़ी, सही है? यही चीजें लेके मैथमेटिशियंस गेम खेलते रहते थे, नए नए फंक्शन बनाते, इनपुट डालते आउटपुट मिलता, और वो हमारे जैसे आलसी थे नहीं कि 1 के बाद डायरेक्ट 2 डालेंगे, पढ़े लिखे थे भाई, उन्हें कर्व बनाना है, तो हम लोग विद्वान है, हमें डायरेक्ट पता पड़ जाता है ये साला बन गया कर्व है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पूछा किसी से कर्व, और ये देखो अरे भाई उस इंसान को सोचो जिसने सबसे पहले बनाया होगा, कोई भैरव जी सफेद साड़ी कोई नहीं होती दुनिया में, इट्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री थोड़ी है, है? हीट करो प्रोडक्ट अपने आप दिख जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, ये कैसे बनाया होगा सबसे पहले, मैं तो यही सोचता हूँ भाई, टेबल बनाई होगी, अब टेबल में भी 10-20 हज़ार पॉइंट बनाए होंगे, पॉइंट टोक 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 के जब देखा होगा तो अप्रोक्सीमेट सी पैसे दिखी होगी, फिर उसके बाद तो कैलकुलस पूरी डेवलप हो गई, तो उसके बाद तो लॉजिक्स आ गए ना, अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अभी हमारे पास लॉजिक्स उतने नहीं है क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन नहीं पता है, डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगी, लिमिट से निकल के आएगी, वो हर चीज़ का तो बाद में धीरे धीरे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट जुड़ेगी। बट अगर हम बिल्कुल ही लेमैन मतलब गरीब आदमी की बात करें मैथमेटिशियंस की, तो उन्होंने कैसे बनाए होंगे कर, ठोक ठोक के बनाए होंगे बेचारों ने, और कैसे बनाएंगे, तो इसका सिलसिला चल रहा था, नए नए फंक्शन लोग बना रहे थे, एक्स रखते वाई मिलता, एक्स रखते वाई मिलता, बहुत सारे एक्स रखते गए, बहुत सारे वाई मिलते गए, बहुत सारे पॉइंट्स मिले, उन्हें जोड़ा तो उनका कर्व बन गया, ठीक है? इसी खोज के दरमियान वो एक दिन एक अजीब सा फंक्शन बना बैठे, क्या बना रहा हूं मैं ये, व्हाट इज दिस मैन, सही बना रहा हूं, ये फंक्शन बनाया, सही बना तो लिया, ठीक है? अब जैसा मैं आपको कह रहा हूं वो मेहनती लोग थे, हम आलसी लोग हैं, अब चूंकि वो मेहनती थे तो उन्होंने वो प्रोग्राम सेम इस पे भी चलाया, कौन सा, एक्स रखो वाई मिलेगा, एक्स रखो वाई मिलेगा, नहीं रानी दादा, सबसे सामान्य आदमी, इट्स नॉर्मेलिटी टेस्ट, अभी जो हम फिल्माने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी टेस्ट है, ये समझ में नहीं आ रहा, अबे नॉर्मेलिटी टेस्ट मतलब ये केमिस्ट्री में होता है तो पता ही नहीं है, नॉर्मेलिटी निकलवाते हैं केमिस्ट्री में, वो ऐसे किसी ने केमिस्ट्री लैब ही नहीं देखी होगी ना, कितने लोगों ने केमिस्ट्री लैब देखी अपनी जिंदगी में, इतने लोगों ने देखी बताओ, वो एक लंबा सा एक डंडे में वो पिपेट, पिपेट बोलते हैं उसे, ब्यूरेट बोलते हैं, ब्यूरेट, ये देखो क्या कर रहा है, अब छोटा क्या शक करते हैं भाई, कुछ शक नहीं करते उसमें, ऐसे ऐसे इधर से वो करके डिप कर दूंगी, वो नीचे कुछ पता नहीं, नाम भी भूल गया भाई साहब, मैं तो सब छोड़ो, डिच डिच। तो ये केमिस्ट्री वाली नॉर्मलिटी टेस्ट की बात नहीं चल रही, इट्स इंसान का नॉर्मलिटी टेस्ट कि इंसान नॉर्मल है नहीं है, रानी दादा शुरुआत करते हैं हम, ठीक है? नॉर्मलिटी टेस्ट की हो रही है शुरुआत, ठीक, सपोज यू आर अ नॉर्मल पर्सन, तो आप सबसे पहले कौन सा एक्स ठोकोगे इसमें, नॉर्मल टेस्ट फेल, ही विल पुट 1 इनटू इट, क्या फाट है भाई साहब, अबे नॉर्मल इंसान 0 ठोकेगा सबसे पहले, गुलाब से 1 0 रखेंगे ना यार, सबसे आसान चीज है भाई कैलकुलेशन, सबसे पहले क्या रखा 0, क्या मिला 1 रखा भाई साहब, 4 2 रखा 5 3 रखा, तो भाई साहब भेजा खराब हो गया, ये ऐसे थोड़ी भेजा खराब होता है, दिमाग घूम गया दिमाग, 3 रखते ही, सही है? सुन लो सुन लो सुन लो,
ये पहले डिस्क्लेमर सब पहले डाले जा चुके हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन दे आर हाईली एक्सपर्ट लोग आर कॉल्ड मैथमेटिशियंस, अपन नहीं है बे। अपन होते तो हम तो बजा देते खटखट वन, ऊपर क्या है जीरो, नीचे क्या है जीरो, बाढ़ बाढ़ वन, क्यों? क्योंकि मास्टर ने बताया था जो भी ऊपर नीचे सेम चीज दिखने की, बजाने का वन लिखने का दिमाग नहीं लगाना भाई जब सेम चीज दिखे तो, नहीं समझ आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली दे वर मैथमेटिशियंस, नहीं क्या, अरे मैथमेटिशियंस थे भाई, उन्हें इस बात का आभास पहले से था। वो सदमे में क्यों थे? वो सदमे में ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो देख के थे, नहीं आ रहा समझ में, गलत है। वो नीचे जीरो देख के सदमे में थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर की, डिनोमिनेटर इन जीरो इन डिनोमिनेटर मेक्स द एक्सप्रेशन नॉनसेंस। अगर डिनोमिनेटर में जीरो लिखा है तो भाई साहब वो नॉनसेंस है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं समझ में आ रहा। अभी कई लोग परेशान क्यों हैं, अबे गधे साले डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर में भी तो है, बजा दे वन लिख, इसलिए कई लोग दुखी थे, सभा बुलाई गई, ऐसी बात नहीं है, पूरी मंडली बैठी कि साला ये थ्री रखने पे ऊपर भी जीरो मिल रहा है नीचे भी जीरो मिल रहा है, इसका क्या किया जाए? कंट्रोल इज इमोशंस। हाँ ठीक है, तो थ्री नहीं रख पा रहे थे क्योंकि ऊपर भी जीरो बन रहा था नीचे भी जीरो बन रहा। अब मैथमेटिशियंस ये बात बहुत भली बातें जानते थे कि जीरो नहीं काटा जा सकता कभी मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट के अंदर, है ना? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार, ये लोग खुश हैं है नहीं, बोलो। अब बचपन वाले मास्टर की बात अगर मानी जाए, बेटा दोनों तरफ राम लिखाओ इक्वलिटी की, तो राम राम बच जाता है, नहीं? अरे यही होता था बचपन में भाई, दोनों तरफ अगर राम राम लिखा है तो राम को बजाया जा सकता है। अगर मैं उस मास्टर की, वो मास्टर बेचारा सही था, उसे क्या पता तुम साला रामलाल को जीरो ले लो कल को, उस बेचारे ने कभी वो दिन देखे ही नहीं, वो वहीं तक सीमित है भाई, उसकी सीमा जो है ना वो वहीं तक सीमित है, ठीक है? तो उसने तो सही बोला था, लेकिन अगर हमने यहां बजा दिया तो भाई साहब ये नॉनसेंस हो जाएगा, नहीं बाजी नॉनसेंस। अरे दो थोड़ी तीन के बराबर होता है, नहीं समझ आ रहा। जीरो बजाने से पहले ये एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो भी लिखी हुई थी ये ट्रू इक्वेशन थी, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों साइड से जीरो बजाया टू इज इक्वल टू जीरो, नॉनसेंस है। इसके बाद बिल्कुल सामूहिक रूप से डिक्लेयर कर दिया गया भाई साहब जीरो कभी नहीं बजाया जा सकता, इक्वलिटी के दोनों साइड से या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जीरो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, समझ गए क्या? चलो साहब, जब ये जीरो नहीं बजाया जा पा रहा था, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं पहले ही बोल चुका, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथमेटिशियंस को ऊपर वाले जीरो की परवाह नहीं थी, क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो लिखा होना तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से बचपन वाले मास्टर की बात, बेटा जीरो किसी से भी डिवाइड करो जीरो आएगा, इसलिए वो न्यूमरेटर वाले जीरो से परेशान नहीं थे, वो परेशान किससे थे? डिनोमिनेटर वाले जीरो से। डिनोमिनेटर में जीरो आना मतलब एक्सप्रेशन जो भी लिखा हुआ है वो नॉनसेंस लिखा हुआ है, जीरो इन डिनोमिनेटर मेक्स द एक्सप्रेशन नॉनसेंस। तब एक नए नाम का जन्म हुआ, और वो नाम क्या था? डोमेन। ये नाम सुना सुना सा है हमारा, दलाल साहब सुना हुआ है डोमेन, है ना? हाँ, तब डोमेन नाम की चीज का जन्म हुआ। डोमेन एक्स की वो वैल्यूज थी जो फंक्शन में रख के वाई की सेंसिबल वैल्यूज देती थी या डिफाइंड वैल्यूज देती थी या वाई में रखा जा सकता है, सही है? अरे ठीक है, चलिए ध्यान सुनना मेरी बात। डोमेन डिफाइन किया गया, डोमेन एक्स की वो वैल्यूज थी जिसके लिए एक डिफाइंड वाई मिलेगा, और ये कसम खा ली गई, कसम बिल्कुल हर तरफ, सारी जितने सभा में लोग बैठे थे सब ने कसम खा ली, क्या एक्स इज इक्व टू थ्री इस फंक्शन में रखा ही नहीं जाएगा, कर भविष्य में कभी भी इस फंक्शन के लिए एक्स इज इक्व टू थ्री पर बात ही नहीं करी जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स इज इक्व टू थ्री पे इस फंक्शन में बात ही नहीं करी जा रही भैया, सबने बंद कर दी बात। एक्स इज इक्व टू थ्री के लिए मैं इस फंक्शन के लिए मैं बार बार एक चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इस फंक्शन के लिए मैं भविष्य में एक्स इक्व टू थ्री पर कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी फंक्शन का पोस्टमार्टम करने जब बैठा था तो मैंने जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि फंक्शन कैलकुलस का, उसके अंदर डोमेन निकालना सीखा, वो डोमेन मैंने सबसे पहले, और मेरा एम क्या है स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चल रहा हूँ
मेरा एम पहले ही मैं डिक्लेयर कर चुका है फंक्शन नाम के चैप्टर में कि अगर अपने को डोमेन निकालना आ गया इसका मतलब अपने चैप्टर में सक्सेसफुल है। अपने को वही सीखना था। क्यों सीखना था? क्योंकि मुझे जब इसका कर्व बनाने की बारी आएगी, अल्टीमेटली जब मुझे पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगा और मैं इसका कर्व बनाने के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, तब मुझे सबसे पहली चीज जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो डोमेन, कि मुझे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कहाँ कहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है भाई। वो कहाँ 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 से आया? डोमेन से आया। नहीं समझ रहे? वो कहाँ कहाँ आया, कहाँ से? डोमेन से ही तो आया भाई मुझे, क्योंकि डोमेन में इसका ग्राफ बना सकता हूँ। तो जब ये डिसाइड हुआ, डोमेन नाम की चीज आई, तब ये पूरी तरीके से डिसाइड हो चुका था कि अब भविष्य में कभी इस फंक्शन के लिए एक्स इक्वल टू थ्री के बारे में बात नहीं करी जाएगी। इन शॉर्ट वी ऑलवेज टॉक इन द डोमेन फॉर एनी फंक्शन। हम हमेशा सिर्फ डोमेन के अंदर ही किसी भी फंक्शन के लिए बात करते हैं, उसके अलावा मेरे को कभी कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है? नहीं है? अरे क्लियर है नहीं है? अच्छा देखो भाई साहब, जब भी कोई स्टेटमेंट आता है किसी सभा के अंदर तो कुछ तो चुल्ल होती है, कुछ लोगों को तो परेशानी 100% होगी। कोई तो अमरजीत जी जैसे बैठा होगा उसके अंदर, उस सभा के अंदर, वो आ गया भाई, ये खड़ा हो गया भाई भाई देख एक्स इक्वल टू थ्री नहीं रखना, मान लिया, मान लिया है। अब जिसे रियल नंबर लाइन की नॉलेज है, क्यों सारा जिसे रियल नंबर लाइन की नॉलेज है उसे ये बात पता है कि जीरो के बाद का नंबर कौन सा? सी सो स्मार्ट, 0.00 वन तो नहीं बोला कम से कम। अरे भाई साहब, जीरो के बाद वन थोड़ी आता है रियल नंबर लाइन पे, वन आता है हैं? और जीरो से पहले माइनस वन? नहीं, बीच में जंगल नहीं है, लोग रह रहे हैं भाई, बीच में भी लोग रहते हैं। आपने दो के बाद तीन, ये तो हम आलसी लोग थे जो हमने जीरो के बाद वन, वन के बाद टू। अरे भैया, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको बहुत क्लोज क्लोज के पॉइंट लेने पड़ेंगे, नहीं तो सारे स्ट्रेट लाइन बना दोगे तुम तो। हाँ नहीं तो और क्या, एक्स स्क्वायर भी तुम तो स्ट्रेट लाइन बना देते, ऐसी बनती तुम्हारी स्ट्रेट लाइन, और क्या, टाड़ा डाड़ा ऐसी बन जाती तुम्हारी स्ट्रेट लाइन चौथीकल लेकिन अगर तुम दूर दूर के पॉइंट्स लेते, सही बता रहा हूँ मैं बिल्कुल, अगर आप दूर दूर के पॉइंट्स लेंगे तो आपका सब छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, वो क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, वो मिला दोगे आप तो चौंतिकल फिगर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर बेचारा स्मूथ होता है, तो वो स्मूथ कर्व कैसे बनेगा भैया? बहुत छोटे छोटे, बहुत पास पास के पॉइंट्स लेके जब कर्व को बनाया जाए। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? ये सिर्फ हम एक भूमिका बना रहे हैं कि वो पहुंचे कैसे उस बात तक। भैया वो कैसे पहुंचे? जब उन्होंने बोला कि हाँ थ्री नहीं रख सकते, हम बात ही नहीं करेंगे अब आज के बाद थ्री की, ये सब जगह क्लियर हो गया हमें थ्री, लेकिन थ्री के नेबरहुड में क्या होगा? नेबरहुड, नया शब्द। जब मैंने थ्री को नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो मैंने देखा कि थ्री के अगल बगल में भी लोग रहते हैं। नहीं आ रहा समझ में? हैं, थ्री के अगल बगल मतलब इसको अगल बोल लें, इसे बगल बोल लें सपोज, तो बगल में रह रहा है एक आदमी 3.00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 0
रहा होगा, सपोज है मतलब सपोज नहीं, और थ्री के अगल में भी कोई रह रहा होगा, अगल इज 2.999999999 है। सही, तो मैथमेटिशियंस में से वही जो सभा बैठी थी उसमें से कोई एक अमरजी जैसा आदमी उठा, उन्होंने बोला भाई साहब इनका क्या होगा, तीन से दस छोटे नंबर, तीन से बड़े नंबर तो डाल सकता हूँ मैं इसमें, हैं क्या? अब चूंकि इतने इंटेलिजेंट तो हम भी हो चुके हैं कि डोमेन नाम तो चीज़ तो हम भी सुन चुके, इस फंक्शन का डोमेन निकालना तो एटलीस्ट भी माना जा सकता है कि सबको आता होगा इस क्लास में बैठे, इसका तो नहीं राहुल जी, नहीं मुश्किल है क्या इसका डोमेन? आर एक्सेप्ट, तो भाई साहब आर में से अगर सिर्फ तीन को हटाया है तो तीन के अगल बगल को तो लेना पड़ेगा और इसमें रखना पड़ेगा, नहीं समझ में है? फिर जो स्टेज पे खड़ा था, मतलब मैं तो नहीं था, मैं तो अभी हूँ पर उस समय की बात, जो भी बड़ा आदमी खड़ा होगा स्टेज पे, उसने पूछा क्या, जिसने बोला ना, एक आदमी ने बोला कि भाई साहब तीन का अगल बगल तो रखेंगे इसके अंदर, तो सबने एग्री किया हाँ यार बात सही है, रखना तो चाहिए, ठीक है तो अब क्या रखें, प्रश्न क्या आया, क्या रखें, तीन का अगल बगल रखना है तो क्या रखें, उसके लिए तीन का अगल बगल पता होना चाहिए, तीन का अगल बगल मतलब तीन से छोटा और तीन से जस्ट बड़ा नंबर, तो एक प्रीत तीन से जस्ट छोटा नंबर क्या रखें इसके अंदर, 2.999999999
9999, दैट्स इट, 2.9999 चलता जाएगा कब तक? जब तक चलाओ, तीन से जस्ट बड़ा नंबर 3.00000, ये तो तीन है भाई, है? क्या बोल रही है? लास्ट में मानो, बहुत बढ़िया, 3.00000000, इतना ही बोलोगे तो ये थ्री है भाई। तुम्हारे जीरो जीरो थोड़ी कोई तीन एक्स इंप्रेस हो जाएगा, हाँ मैं बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता भाई, वन खिसकाना पड़ता है लास्ट में। लास्ट वन तो बोलो कम से कम यार, तब तो तीन से दस बड़ा आएगा, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। नहीं है, गलत बोल रहा हूँ, और 3.000 बोलता रहो, थ्री है भैया वो, तुम कहाँ किसके। ठीक है, समझ रहे हो क्या? अब फिर से वही समस्या आ गई, क्या वो अपन तो थे नहीं, वो मैथमेटिशियन थे भाई, उन्हें बात पता थी क्या? जान सुनना, तीन से जस्ट बड़ा नंबर और तीन से जस्ट छोटा नंबर, अगर हमने नाइन्थ क्लास से एनसीईआरटी बहुत तमीज से पढ़ी हुई है ना, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है, और नाइन्थ की है सही में सबसे बढ़िया एनसीईआरटी जो मुझे लगती है चारों साल की, रैशनल और इरेशनल नंबर आर सो क्लोजली पैक्ड ऑन रियल नंबर लाइन सच दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर। चाहे आप कितना भी पास का रैशनल नंबर ले लो, उसके बीच में कम से कम एक इरेशनल नंबर तो निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि रैशनल का अगला और पिछला क्या है, किसी को नहीं पता, और जो किसी को नहीं पता वो अपने को पता होना तो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो किसी को नहीं पता है वो अपने को तो पता हो ही नहीं सकता ना भाई। तो तीन से अगला नंबर और पिछला नंबर जो है ना वो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता भाई साहब, ठीक है, कि वो अगला नंबर और पिछला नंबर क्या है। और जब कोई जानता ही नहीं है, जब कोई जानता ही नहीं कि वो नंबर क्या है, तो कद्दू ठोक के निकालेंगे उसकी वैल्यू, हमें क्या पता हो कि वो कौन सा नंबर है। सही है, उस समय एक चीज का जन्म किया गया और उसे बोलते हैं नोशन ऑफ लिमिट। द नोशन ऑफ लिमिट वॉज इवॉल्व्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, शब्दों पर ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इमीडिएट नेबरहुड एट ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक्स इज इक्वल टू थ्री के इमीडिएट नेबरहुड में जब मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत महसूस हुई तो मुझे नोशन ऑफ लिमिट बनाना पड़ा। ऐसे काम नहीं चल पा रहा था, क्यों नहीं चल पा रहा था मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि तीन से जस्ट बड़ा और तीन से जस्ट छोटा नंबर कोई नहीं जानता था भाई, किसी को यह भी नहीं पता था कि वो नंबर रैशनल या इरेशनल है, तो नंबर कहां से बताएंगे। समझ रहे हो, यू कैन नॉट से 2.9 बार तीन से जस्ट छोटा नंबर, क्योंकि जब उसे रैशनल में कन्वर्ट किया जाता वो थ्री आ जाता साला। सही है, आई कैन नॉट से 2.99999, क्यों, कहां तक बोल रहे, मुझे क्या पता भैया, 2.99999 कहां तक जा रहा है, वहीं तक जा रहा है जहां तक आप बोल सकते हो। हाँ, फिर आप सस्ते में बोलने के लिए 2.9 बार बोल देते हो, 2.9 बार कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, रैशनल में कन्वर्ट करो थ्री आ जाता है साला। की है ना बच्चों ने क्वेश्चन, 2.9 बार का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री डिक्लेयर किया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भूल गए हैं, 2.9 बार का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई पूछ लेगा तो मुझे थ्री लिख के आना पड़ेगा भैया, जबकि तीन से जस्ट छोटे नंबर का कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा टू लिखूंगा, डिफरेंस है। नोशन ऑफ लिमिट डेवलप किया गया भैया, क्या था नोशन ऑफ लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री, दिस वॉज नोशन ऑफ लिमिट जो इस पे अप्लाई किया गया। दिस इज माई फाउंडेशन ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, लिमिट अप्लाई करना। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, कई किताबों में मैंने इसे LIM एक्स अप्रोचेस थ्री भी देखा है, मेरी आदत LT की है तो किताब को देख के मास्टर पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, आई डोंट नो NCERT में कैसे लिखा हुआ। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री, एक बात पहले लेक्चर में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मेरे दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए, और वो क्या है, वो ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री मींस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू थ्री।
means x is not equals to 3. बहुत ध्यान से सुने, whenever I apply notion of limit, I am least bothered about x equals to 3. x equals to 3 पे क्या हो रहा है, अगर कुछ हो भी रहा होगा, अगर कुछ हो भी रहा होगा आई डोंट केयर, ठीक है, लेकिन उसके नेबरहुड में क्या हो रहा है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं. क्लियर है? उसके नेबरहुड में क्या हो रहा है मैं उसमें इंटरेस्टेड. तो अब एक बात तो क्लियर हो गई थी भाई, मार्केट वाई टू इवेल्युएट, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई मार्केट को, इसकी जरूरत उन पॉइंट्स के लिए महसूस हुई जो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में नहीं थे लेकिन उनके नेबरहुड फंक्शन के डोमेन में थे. नहीं आ रहा समझ में? है हिंदी भाषा में, किसी फंक्शन के कोई पॉइंट जो उसके डोमेन में नहीं है के नेबरहुड पे उस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे लिमिट नाम के नोशन की जरूरत महसूस हुई, इसलिए तो मैंने इस लिमिट नाम के नोशन को डेवलप किया.